सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 28 की कागज पाठ। इसकी लेंथ है 135 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 76 सेंटीमीटर। इसमें जो फुट्टा हमें यूज करने को बताया गया है वो 1.10 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं 1.10 सेंटीमीटर में फुट्टा यूज करेंगे। तो हम इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसलिए कागज को हम लेंथ की तरफ रखेंगे। तो 135 और 40 होते हैं 175, तो सबसे पहले हमने 175 सेंटीमीटर यहाँ पे काटना है लंबाई में। यहाँ से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 है, तो 60, 70 और 75, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 75। बची हुई शीट के हमने बराबर तीन भाग करने, क्योंकि लेंथ में हम जब भी कागज डिवीजन करते हैं तो हम लेंथ की साइड में बची हुई शीट के तीन बराबर भाग करते हैं। तो हमने जहाँ हमने 175 काट रखा था उसके बाद हमने यहाँ से न्यून कोण लेना है, इससे रेखा लगानी है और इस लाइन पे हमने तीन बराबर भाग जो है ना काटने के लिए हमने तीन निशान लगाने पड़ेंगे। तो कहीं पे भी हम कितने भी प्रकार खोल के हम निशान लगा सकते हैं, जैसे मैं इतनी सी प्रकार खोल के यहाँ पे तीन निशान लगा रहा हूँ, जैसे ये एक, यहाँ से दो और तीन, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जो इसका एंडिंग पॉइंट है ये यहाँ पे हम ये तीन नंबर जो है उसको हम यहाँ पे मिला लें। तो हमने इसको मिलाना है यहाँ पे, हमने तीन को जो है वो लास्ट पॉइंट ये हमारा है, हमने तीन को इसके साथ मिला देना है यहाँ पे, इस तरह से। इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है दो से, फिर हम रेखा लेंगे एक से, इस तरह से। और हम इसको प्रकार से भी नाप लेते हैं कि क्या ये हमारा सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए एक, यहाँ से दो और तीन, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से हमने क्या करना है, यहाँ से एक भाग हमने यहाँ पे शुरू में छोड़ देना है इस तरह से यहाँ पे। और अब हम काटेंगे इसकी लेंथ, इसकी लेंथ है 135 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने काटना है 135 सेंटीमीटर, ये आपका 100, 10, 20, 30, 30 और 5, 35, 35, इस तरह से। अब हमने यहाँ से काटना है एक भाग, यहाँ देख सकते एक भाग हमारा आ गया है, इतना ही है, ये थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा है। और अब हमने काटना है 40 सेंटीमीटर, तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा ही इस भाग से तो आगे हमारा यहाँ निशान आया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल 40 आ रहा है और बची हुई जो शीट है ये हमारा एक भाग यहाँ पर बच जाता है। इसी तरह से हमने नीचे भी यहाँ पर इसमें निशान लगाने हैं, तो यहाँ से हमने एक भाग जो हमने ऊपर छोड़ा था वैसे ही हम यहाँ भी एक भाग छोड़ देंगे इस तरह से। अब हमने काटना है इसमें लेंथ, और इसकी लेंथ है 135 सेंटीमीटर, यहाँ से 10, 20, 30, 5, 35, फिर हम काटेंगे एक भाग, इस तरह से। फिर हम काटेंगे इसकी ब्रेथ जो कि है 40 सेंटीमीटर, और एक भाग हमारा जो यहाँ पे बच जाएगा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक भाग हमारा यहाँ पे बच गया है। अब हमने इसको मिलाना है, हल्के हाथों से हम लाइनें लगाएंगे यहाँ पे, अभी देख रहे हैं you
इस तरह से। और अब हमने हाइट की तरफ इसको डिवाइड करना है, तो इसकी हाइट है 76 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 40, तो ये होता है हमारा 116 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से 116 सेंटीमीटर काटना है, तो ये आपका 100, 10, 2, 4, 6, तो 116 सेंटीमीटर। अब बची हुई शीट के हमने बराबर 5 भाग करने हैं, तो जैसे हमने लेंथ की साइड में किया था वैसे हम यहाँ से एक रेखा लगाएंगे, और इस रेखा पे हमने कोई 5 निशान लगाने हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, या आप अपनी मर्जी से प्रकार खोल सकते हैं। 0 पॉइंट है 1, 2, 4, 5, और हमने लास्ट पॉइंट जो हमारा 5 है ये, इसको हमने यहाँ लास्ट पॉइंट के साथ मिलाना है इस तरह से। इसी के समानांतर हमने बाकी लाइनें भी लगानी हैं, यहाँ से 4, 3, 2 और 1 इस तरह से। और हम देख सकते हैं क्या ये बराबर लाइनें हैं, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल बराबर है। तो हमने जो ये 2 पहले भाग है इतनी हमने प्रकार खोलनी है, आप देख सकते हैं। और हमने ऊपर से यहाँ पे और हमने यहाँ ऊपर से इसमें निशान लगाना है, पहले ये 2 भाग हमने छोड़ दिए हैं, उसके बाद हमने काटनी है इसमें हाइट, तो इसकी हाइट है 76 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम काटेंगे 76, आप देख सकते हैं ये हमारा है 50, 60, 70, 75 और यहाँ पे 76 इस तरह से। वो हमने जो है वो 1 भाग लेना है, तो यहाँ से हम 1 भाग काट देंगे, ये हमारा 1 भाग आ गया है, और यहाँ से हमने में भाग का निशान लगा दिया। अब हमने काटना है यहाँ से 40, और आप ये देख सकते हैं 40 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से पीछे 2 भाग हमारे बच गए, इसका मतलब कि हमारा कार्य जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमने जो 2 भाग यहाँ छोड़ रखे थे, यहाँ देख सकते हैं इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ पे भी निशान लगाना है। आप डिवाइडर से भी काट सकते हैं, मैं प्रकार से निशान लगा रहा हूँ, आप डिवाइडर से भी लगा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। और इसके बाद हमने लेने हैं इसकी हाइट, वो 76 सेंटीमीटर, यहाँ से 50, 60, 70, 75 और 76। इसके बाद हमने काटना है 1 भाग जो हमने यहाँ भी काट रखा है, इतना भाग हमने यहाँ काटना है, फिर हम काटेंगे हाइट, सॉरी ब्रेथ, ब्रेथ हमारी 40 सेंटीमीटर, यहाँ से 40, और जो हमारा बच गया है ये हमारा है 2 भाग। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको मिला देना है यहाँ से, हमने थोड़ी लाइन यहाँ आगे लगा देनी है, और यहाँ से हमें इसके अंदर ये मिलाना है जहाँ हमने लेंथ काटी हुई थी, ये हमारी एलिवेशन आएगी, और जो हमने ब्रेथ काटी थी ये हमारी साइड बन जाएगी इस तरह से। और नीचे हमारा है यहाँ पे, ये हम पूरी लाइन लगाएंगे क्योंकि ये एक्स वाई लाइन आती है इस तरह से। और यहाँ पे हमने 1 भाग छोड़ रखा है, ये हमारा 1 भाग है, तो यहाँ भी हम इस तरह से लाइन लगाएंगे आगे को, इसमें हमने ब्रेथ लिखनी होती है, यहाँ हम लाइन लगाएंगे। इसके बाद ये हमारी लास्ट लाइन है इस तरह से, ये हम डार्क लगाएंगे, ये थोड़ी सी हम लाइन यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारे दिख रहा है, ये हमारा वर्ग बन रहा है, और यदि वर्ग है तो हमारा कागज पाठ हमारी बिल्कुल सही है इस तरह से। अब जो हमारी फालतू लाइन है
इनको मिटा देंगे और जो हमारी लाइनें हल्की है फीकी है इनको हम डार्क कर देंगे। इस तरह से हम फालतू लाइन को मिटा देंगे और फीकी लाइनें उनको डार्क कर देंगे। हमने यहाँ पे इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी लिखनी है, यहाँ हम लाइन लगा देंगे इसमें। इस तरह से और यहाँ पे भी हम लाइन लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी है यहाँ पे इसकी हाइट और इसकी हाइट है 76 सेंटीमीटर और यहाँ इसकी आएगी ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, यहाँ इसकी आएगी लेंथ, लेंथ इसकी है 135 सेंटीमीटर। इस तरह से अब हमने इसमें लिखनी है एलिवेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें एलिवेशन। यहां हम लिखेंगे इसमें साइट, यहां हम लिखेंगे प्लान, यहां हम लिखेंगे प्रोजेक्शन। इस तरह से और हम यहां इसमें बनाएंगे स्केल कार्ड। स्केल नंबर जो हमने यूज किया है 1.10 सेंटीमीटर हमने इसमें फुट्टा यूज किया है, तो ये हम यहाँ पे इसमें लिखें और यहाँ हम फुट्टा जो है वो बनाएंगे भी यहाँ पे, उसके दो नंबर हमारे को अलग से मिलते हैं। तो इस तरह से आपने इसमें कार्य करना है। आप चाहो तो यहाँ पे भी इसकी अलग से लेंथ ब्रेथ और हाइट लिख सकते हैं, 135 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर। ये हमारी स्केल है, स्केल नंबर 28। ये हमने इसकी कागज बांट कर ली है। इस तरह से आपने भी इसकी कागज बांट करनी है सफाई से और आगे आपने इसकी स्केल इसके अंदर अब बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।